अमय मुखर्जी ने पुलिस की मदद से चोरी की बाइक बरामद की है। न्यू जलपाईगुड़ी थाने की पुलिस ने चोरी की बाइक बरामद कर मालिक को लौटा दी। 3 फरवरी को सिलीगुड़ी के कश्मीर कॉलोनी से एक बाइक चोरी हो गई थी। उसी दिन कश्मीर कॉलोनी निवासी तन्मय मुखोपाध्याय इस बारे में एक लिखित शिकायत के साथ पुलिस के सामने पेश हुई। घटना के अगले दिन 4 फरवरी की रात स्थानीय मोर बाजार इलाके से बाइक बरामद की गई थी। साथ ही बाइक चोरी के आरोप में मोहम्मद हबुल और मोहम्मद रजाक नाम के 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जब गिरफ्तार लोगों को 5 तारीख को जलपाईगुड़ी अदालत में भेजा गया तो न्यायाधीश ने 14 दिनों की जेल हिरासत का आदेश दिया। दूसरी ओर बरामद बाइक के असली मालिक तन्मय मुखोपाध्याय को सूचित किया गया। उन्होंने एनजीपी पुलिस स्टेशन आकर बाइक की पहचान की। हालांकि कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण वह बाइक को अपने कब्जे में नहीं ले सके। शनिवार को पुलिस ने चोरी गई बाइक को कानूनी प्रक्रिया के तहत असली मालिक को सौंप दिया। बाइक मिलने के बाद पुलिस ने तन्मय मुखोपाध्याय की सराहना की। फेब्रुआरी 4 তারিখ হারিয়েছে গাড়িটা বাইক। তারপরে স্যার আমি থানায় এফআইআর করলাম, 24 ঘন্টার মধ্যে গাড়ি পেয়ে গেছে স্যার। খুব ভালো লাগছে। কোথা থেকে? এটা যে কাশ্মীর কমিউনিতে হারিয়েছিল গাড়িটা স্যার, বাড়ির সামনে থেকে তালা ভেঙে নিয়ে গেছিলো। তারপর থানায় কমপ্লেন করার পরে 24 আওয়ার্সের মধ্যে আমি গাড়ি পেয়ে গেছি।